Hello my lovely viewers, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Shreya and you guys are watching Shreya's Beauty and Travelopedia. Hope you guys are doing well and आज मैं आ गई हूँ एक बुफे खाने के लिए जो कि है ओशन ग्रिल में। तो ये मैं सॉल्ट लेक के ओशन ग्रिल में आ चुकी हूँ जो कि आरडीबी सिनेमा के एकदम सामने ही है। मैं गूगल मैप का जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। सो गाइज, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कोविड के टाइम के बाद से इन लोगों ने जो बुफे है वो लेड आउट करना बंद कर दिया है। ये जो बुफे है सारे जो आइटम्स है सभी आपको आपके टेबल में ही सर्व कर दिया जाएगा, जैसे कि मुझे कर दिया गया है। और इस बुफे का जो टाइमिंग है वो 12 o'clock से 4 p.m. तक है। वीकडेज में मैं वीकडेज में ही आई थी, वीकेंड्स में 12 o'clock से 2 p.m. तक और 2 p.m. से 4 p.m. तक का स्लॉट्स है। आप इन दो स्लॉट्स में कभी भी आ सकते हो लंच के लिए। और इस बुफे का जो प्राइस है और जो भी डिटेल्स है मैं सभी इस वीडियो में धीरे धीरे बताती रहूंगी, तो प्लीज बिना स्किप किए हुए मेरे इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सो हमें वेलकम ड्रिंक सर्व कर दिया है, ये जो दिया है वो ब्लू लगून है। टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। खट्टा खट्टा है, अच्छा लग रहा है खाने में, ब्लू लगून की तरह ही खाने में है। तो ये वेलकम ड्रिंक जो है काफी अच्छा है। अभी तक स्टार्टर सर्व नहीं हुआ है, स्टार्टर आने के बाद मैं आप लोगों को स्टार्टर्स भी दिखाऊंगी, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो हमें धीरे धीरे स्टार्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। फर्स्ट में ही हमें दिया है ये चीज बॉल, देखते हैं ये कैसा है। चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ओवरऑल मुझे चिकन का टेस्ट बहुत
स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है जब आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेश भी है और काफ़ी अच्छा है। सो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी स्टर फ्राइड मोरेला इन मस्टर्ड सॉस। ये लगा के अच्छे से इस डिश को फ्राई करके फिर मस्टर्ड सॉस में सॉस किया हुआ है वेजिस के साथ, इसकी वजह से फिश जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है क्योंकि डीप फ्राई किया हुआ है। मस्टर्ड का बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं है क्योंकि मुझे मस्टर्ड सॉस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये डिश अच्छा लग रहा है क्योंकि मस्टर्ड का बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा है, थोड़ा खट्टा खट्टा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फिश। नेक्स्ट मैं एक प्रॉन एड ऑन लिया है मैंने, इस बुफे में आप एड ऑन करके बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, वो मेनू कार्ड में मैं आपको दिखा दूंगी, लाइक आप सी फूड ले सकते हैं, प्रॉन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, तो मैंने एड ऑन में प्रॉन लिया है। मैं एक बात बता दूँ, इस बुफे का जो प्राइस है वो है 699, उसके ऊपर मैंने प्लस 99 का एक एड ऑन लिया है, तो मैंने दो एड ऑन लिए हैं, एक है प्रॉन एड ऑन और दूसरा है सी फूड एड ऑन। मैं सी फूड आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको प्रॉन दिखा देती हूँ। तो मुझे प्रॉन के एड ऑन में दिया गया है तंदूरी प्रॉन एंड गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। सो मैं पहले तंदूरी प्रॉन टेस्ट करके देखती हूँ। प्रॉन जो है काफ़ी फ्रेश है, हल्का एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा स्पाइसी है, काफ़ी अच्छा है ये तंदूरी प्रॉन। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी गोल्डन फ्राइड प्रॉन। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने जो सी फूड का एड ऑन लिया है वो भी प्लस 99 मतलब 99 का है। ये है स्क्विड एंड ये जो है ये ऑक्टोपस है। पहले स्क्विड टेस्ट करके देखती हूँ। ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ रहा है, वेजिस दिया हुआ है इसमें उसका भी फ्लेवर आ रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है स्क्विड। मैंने ज़्यादा स्क्विड खाया नहीं है, एक बार ही खाया था मैंने, मैं सेकेंड टाइम खा रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सेकेंड मैं ऑक्टोपस ट्राई करूँगी। तो चलिए अभी मैं स्टार्टर्स आराम से एंजॉय कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को मेन कोर्स में मिलती हूँ। सो मेन कोर्स आ गया है, एक वेज फ्राइड राइस दिया है वो ट्राई करूँगी मैं। ग्रेवी है,
अनियन का वेजेस का एक फ्लेवर आ रहा है, अच्छा लगा मुझे। ओके सो हमें एक सूप दिया गया है, दिस इज क्रीम ऑफ चिकन सूप। लगा मुझे, अगर आप लोग सूप पसंद करते हो या फिर खाते हो देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ठीक ठाक लगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सूप खाती नहीं हूँ। ओके सो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी हर्ब राइस। हर्ब्स का फ्लेवर आ रहा है, राइस प्रॉपर कुक है, राइस जो है बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, एकदम न्यूट्रल है। आप इसको किसी भी ग्रेवी के साथ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी ग्रिल्ड फिश इन क्रीमी मस्टर्ड। फिश जो है इन लोगों ने शायद बासा फिश यूज़ किया है, फिश सॉफ्ट है, फ्रेश लग रहा है। लेकिन ये डिश है जो प्रिपरेशन है मुझे कुछ वाह नहीं लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। एक क्रीमी क्रीमी सा मस्टर्ड सा फ्लेवर आ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर किसी ने ट्राई किया है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी दाल मखानी। जो है मैं हर्ब राइस के साथ टेस्ट करूंगी। दाल मखानी में एक कोरिएंडर का फ्लेवर आ रहा है, स्पाइसी नहीं है लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। जिससे मैं ऑलरेडी फुल हो चुकी हूँ, मतलब मैं इतने से छोटे से शरीर में इतना सा ही मेरा पेट है और कितना खाओ फिर भी। लोगों ने एक वेज का मेन कोर्स दिया है और दो पनीर का मेन कोर्स दिया है, मैं वेज का मेन कोर्स ट्राई नहीं करूँगी। अगर आप में से कोई वेज खाना चाहता है तो ये आकर टेस्ट करके खा के देख सकते हैं। मैं पनीर से एक पीस करके टेस्ट करके आप लोगों को बता देती हूँ। पहले तो ये डिश है, ये है मलाई पनीर। फ्लेवर आ रहा है, चॉकलेट केक का फ्लेवर आ रहा है, मतलब सब मिक्स्ड
किया हुआ है, लेकिन टेस्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें चॉको चिप्स भी है, चेरीज का फ्लेवर भी है, मतलब चेरी का जो क्रश होता है वो दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं फ्रूट केक ट्राई करूँगी। मुझे फ्रूट केक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टेस्ट करके देख रही हूँ। ज़्यादा स्पंजी नहीं है क्योंकि फ्रूट केक है, तो उसको मैं उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन फ्रूट केक है अच्छा लग रहा है। स्वीट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे उतना फ्रूट केक अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग फ्रूट केक पसंद करते हो तो देन डेफिनेटली आप ये आकर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी कैरमल कस्टर्ड। मैं फर्स्ट टाइम ही कैरमल कस्टर्ड खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, मुँह में देते ही एकदम मेल्ट हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी ये कुकीज। ये कुकी जो है मीठा नहीं है, नमकीन टाइप का है, जो डायबिटिक्स के पेशेंट्स हैं वो आराम से मतलब इस कुकी को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कलौंजी भी दिया हुआ है, जो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है इस कुकी में। नेक्स्ट मैं पेस्ट्रीज ट्राई करूँगी। ये जो है ये चॉकलेट पेस्ट्री है, पेस्ट्री ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश या फिर सॉफ्ट मुझे नहीं लगा। नेक्स्ट एक और पेस्ट्री है, मैं वो ट्राई करके देखूँगी। ये जो पेस्ट्री है इसमें से मैंगो का फ्लेवर आ रहा है, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे। तो इस दोनों पेस्ट्री में से मुझे ये मैंगो वाला पेस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये फ्रेश था। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी ये पॉपिटा रोल्स। मैंने कभी इसको पहले नहीं खाया है, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये जो है ये काफ़ी सॉफ्ट लगा मुझे, इसका जो आउटर लेयर है काफ़ी सॉफ्ट है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ही हल्का स्वीट है। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी फिरनी। फिरनी भी काफ़ी अच्छा है, इसमें से सैफ्रन का एक फ्लेवर आ रहा है, और स्वीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, तो ये फिरनी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं डेजर्ट में सबसे अच्छा जो कहूँगी वो है ये बेक्ड अलास्का, उसके बाद ये फिरनी, उसके बाद ये कुकी, एंड देन ये पॉपिटा रोल्स, देन बाकी सब आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओ तो डेफिनेटली ये फोर डेजर्ट जो है आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं डेजर्ट खत्म करके आप लोगों से बाहर मिलती हूँ। सो मैं बुफे खा के बाहर निकल चुकी हूँ, एंड मैं कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज देना चाहूँगी। फर्स्ट जो है मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ओशन फील्ड में आकर बुफे खा रहे हो तो एडवांस मत लेना, क्योंकि बुफे का जो फूड है फूड क्वालिटी है ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन जो एडवांस का फूड क्वालिटी है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। प्रॉन्स एंड स्क्विड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो था वो एकदम ही अच्छा नहीं था, मतलब मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगा। तो आप अगर आओ तो एडवांस मत लेना, वो वेस्ट ऑफ मनी होगा, मुझे ऐसा लगा कि वो वेस्ट ऑफ मनी था। तो आप सिर्फ बुफे ले सकते हो आकर, बुफे का जो क्वालिटी था ठीक ठाक था, अच्छा था। प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगी हाँ ठीक है, कुछ वाव नहीं है फूड क्वालिटी, क्योंकि बुफे में ऐसा होता है यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता है, तो इसलिए क्या है जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आओ तो सिर्फ बुफे लो, एडवांस मत लो। आप ओशन ग्रिल में आकर अला कार्ट में भी खा सकते हो, वो अच्छा होगा। एंड मैंने जो शेफ है एंड जो मैनेजर है उन लोगों को भी बताया है, जो फूड के क्वालिटीज में मुझे जो अच्छा नहीं लगा मैंने उन लोगों को बताया है, अब शायद वो उस पर वर्क करेंगे या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है। एंड जो स्टाफ का बिहेवियर है वो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था स्टाफ का बिहेवियर। सो मैंने ये ओशन व्यू का जो गूगल मैप का लोकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जो टाइमिंग्स है एंड जो भी डिटेल्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकअप कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए आज का वीडियो यही तक था, नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, सी यू सून, टाटा।